गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से विक्रम ट्यूटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जान रहे हैं कि मैं अनुपात समानुपात का वीडियो लेके आ रहा हूं, और अभी तक हम लोगों ने काफी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और आज मैं आप लोग को उससे आगे में बढ़ाना चाहता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 81, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखेंगे ध्यान पूर्वक। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, एक तरबूज का भार के अनुसार जो है 3:5 में बांटा गया है, ठीक है, और उसका दो टुकड़ा कर दिया गया है, उन्हें बड़े टुकड़े। देखिए, ये है आपका छोटा टुकड़ा और ये हो गया बड़ा टुकड़ा। तो जैसे ही बड़ा और छोटा टुकड़ा देखेंगे, तो इस टुकड़े को फिर से बांटा है 5:7 में, फिर से ये बांटा है इस बड़े टुकड़े को। तो इसका मतलब किसी भी टुकड़े को बांटने के लिए, यानी 5 को अगर बांटना है तो 5 को कैसे बांटिएगा? तो सबसे पहले इस 5 को 5 भाग में बांटना, जिसमें कि टोटल 12 भाग है। तो इसका मतलब हो जाएगा 5/12, यानी इसका भाग हो जाएगा 25/12। और फिर से इसका दूसरा तीसरा भाग जो होगा, यानी 7 भाग क्या हो जाएगा, यानी 5 का 7 भाग हो जाएगा 7/12, यानी क्या हो जाएगा इसका 35/12 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ, फिर से मैं बता दूं, बहुत लोगों को लगता है दिक्कत हो गया इसमें। सबसे पहले इस दो टुकड़ा तरबूज का भार के अनुसार दो टुकड़ा किया गया, एक 3 भाग है, एक 5 भाग है, और बड़े टुकड़े को फिर से बांटा है 5:7 में। तो इस बड़े टुकड़े को, यानी 5 भाग को बांटना है 5:7 में, तो 5 जो है वो तो है ही, और उस 5 को 7 को फिर क्या करना, दोनों भाग का मान कितना, 12, यानी 12 में करना है 5, तो यानी 5 गुना 5/12 कितना हो जाएगा, 25/12। उसी प्रकार हो जाएगा आपका 7 में बांटना, तो 5 का 7/12 कितना हो जाएगा, 35/12। तो कह सकते हैं अब अनुपात, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उन तीनों टुकड़ों के अनुपात को, पहले अनुपात कितना था पहला शुरू का, 3:5, फिर हो जाएगा 25/12, फिर क्या हो जाएगा 35/12। तो तीनों टुकड़े का अनुपात क्या हो जाएगा, देख रहे हैं कि 12 सब में कॉमन है, तो 12 क्यों नहीं हम गुना करते सब में, तो इसका मतलब हो जाएगा ये 12 या 36, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 35, और यही क्या हुआ, तीन टुकड़े का भार हो गया, 12 12 इधर में कट गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ये सवाल में फंस जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। एक बार देख लेंगे ध्यान पूर्वक कि मैंने कैसे बनाया, और बहुत ऐसी चीजें हैं जो समझा हम उतना नहीं पाते हैं, लेकिन किसी तरह आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। 82 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन को बताते हुए चलते हैं। बोला 3 संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है, मतलब 3 संख्या कोई भी ले लिए उसका योगफल कितना दिया हुआ, 98। पहली संख्या का दूसरी से अनुपात, यानी पहला का दूसरी से अनुपात दिया हुआ है 2:3, और दूसरी का तीसरी से, यानी वाई का अनुपात जेड से कितना दिया हुआ है आपका, दिया हुआ 5:8। और मेरा जो पुराना वीडियो देखे होंगे उसमें अनुपात समानुपात में एक चीज में बता दिया था कि सबसे पहले अनुपात को पहले ठीक कर लिया जाए। तो अनुपात को ठीक करने के लिए क्या बताए थे, एक्स अनुपात, वाई अनुपात, जेड, और जो कॉमन रहता है उसी को बीच में लिखते हैं। इसका मतलब वाई वाई कॉमन है तो हम लोग ले सकते हैं, अगर दोनों, अगर जो कॉमन रहेगा उसको बीच में हमेशा लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 2:3, और इधर हो जाएगा 5:8, और बताए थे इस तरह से गुना होता है तरीका। तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 5 × 3 = 15, और 8 × 3 = 24। तो तीनों का अनुपात पता चल गया, ए बी और सी का अनुपात पता चल गया। अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो 10, 15, 25, 25 और 24 कितना होता है, 25 और 24 49, यानी 49 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है कितना, 98। तो हम कह सकते हैं 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2, और हमारा पूछ रहा संख्या 15, यानी 15 बराबर, यानी दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 2 × 15, यानी कह सकते हैं वो संख्या कितना हो जाएगा, 30, और यही 30 आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, और मैं इतने अच्छे वे में समझाने का कोशिश कर रहा हूं, और जो बात मैं फिर से बोलना चाहता हूं, जो बात आपको समझ में नहीं आ पाता है वो आप बता भी सकते हो, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन करेंगे और हम नहीं बताएं। तो सबसे पहला काम करना, एसडी यादव का जितना भी क्वेश्चन है वो आप सेल्फ पहले आप बनाना है, और जो क्वेश्चन नहीं बने वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं। और जितना भी विद्यार्थी जो एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, इन सभी चीजों का तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे सभी से ये कहना चाहता हूं, किसी चैनल को फॉलो करने से बेहतर है कि विक्रम ट्यूटोरियल बीडी चैनल को फॉलो कीजिए। इसमें आपको हर तरह का वीडियो देखने को मिलता है, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद भी आता होगा। बस आपको क्या करना है, रेगुलर
जो भी वीडियो मैं लाता हूँ मैथ का वो देखना, रीजनिंग का भी वीडियो लाऊंगा, इंग्लिश का भी वीडियो लाऊंगा, सभी चीजों का वीडियो लाऊंगा। सबसे पहला काम करना है अधिक से अधिक लोगों को बीकॉम ट्यूटोरियल जोड़ना है। जितना ज्यादा जोड़िएगा उतना ही जल्द मैं अच्छा अच्छा वीडियो, वो भी वीडियो के माध्यम से लाऊंगा, आपको देखने को मिलेगा, आपको समझाने में समझाऊंगा भी अच्छे वे में। तो चलिए ये वाला भी क्वेश्चन आपका 82 नंबर भी समाप्त हो गया, बहुत ईजी था। तो जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं उन्हें सबसे पहले बेसिक चीजों को क्लियर करना होगा। हर दिन मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि जिसका बेसिक चीज क्लियर है वही मेरे वीडियो के क्वेश्चन को समझ सकता है और उसका बात समझ पाता है। क्वेश्चन नंबर 83 आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं टफ क्वेश्चन भी ले रहा हूँ, इजी भी क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। बोल रहा, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार बदलता है, ठीक है? यानी मूल्य जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है आपका भार का वर्ग, तो भार के स्क्वायर के बराबर ये बदलता है। अब क्या बोल रहा है, 5184 रुपया का मूल्य है, 5184 रुपया मूल्य का एक हीरा है, ठीक है? यही आपका हीरा है। अब उस हीरा को 3 टुकड़े में काटा गया है, 1:2:3 में बांट दिया। इस हीरा जो खरीदा उसको 3 भाग में बांट दिया, 1:2:3 में बांट दिया। अब 3 में बांट दिया इसका मतलब अगर हम डायरेक्टली जोड़ें तो 1, 2, 3 और 3, 6, यानी 6 भाग हो गया। और 6 यानी अगर हम एक एक एक्स सब में अगर बराबर एक्स मान लें तो कह सकते हैं कि पहला जो टुकड़ा होगा वो एक्स होगा, दूसरा टुकड़ा जो होगा वो 2x होगा, और तीसरा टुकड़ा 3x होगा। हम कह सकते हैं कि तीनों टुकड़े इंडिविजुअली जोड़े हैं तो x और 2x, 3x, 3x और 3x, 6x हो जाएगा। और हम जानते हैं कि मूल्य जो होता है वो भार के स्क्वायर के बराबर हमारा होता है, तो 6x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 36x स्क्वायर। लेकिन अगर हम अलग अलग एक एक करके जोड़े तो आपका हानि, काटने से क्या हानि हो गया कि 1 का स्क्वायर हो गया यानी एक्स का स्क्वायर हो गया, फिर 2x का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और फिर 3x का स्क्वायर हो गया। तो यानी हो गया 3 * 9 = 9, 9 * 4 = 13 और 1 = 14x स्क्वायर हमारा हो गया, जबकि होना चाहिए था 36x स्क्वायर, लेकिन हो कितना गया 14x स्क्वायर। तो हानि मेरा कितना हो गया बताइए, तो हानि हो गया हमारा आपका हो गया 22x स्क्वायर का हानि हो गया, और 22x स्क्वायर का ही हमारा हानि हो गया। लेकिन हमारा मूल्य दिया हुआ है, कितना मूल्य दिया हुआ है हमारा प्यारे दोस्त, हमारा दिया हुआ है मूल्य 5184, यानी 5184 कितना का मूल्य दिया हुआ, 36x स्क्वायर का, यानी 36x स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ 5184। तो इसका मतलब कह सकते हैं हमारा निकालना था, देखिए हानि कितना हो गया आपका 22x स्क्वायर, ठीक है? हानि कितना, पहले 36x स्क्वायर था, काटने से हो गया 14x स्क्वायर, तो हानि हमारा हो गया 22x स्क्वायर, यानी 22x स क्वायर हमारा निकालना है, तो हो जाएगा 5184 / 36x स्क्वायर और गुना हो जाएगा 22x स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि आपका कट जाएगा 2 = 11 = 22 और 2 = 18 = 36, फिर 18 से कट जाएगा, 18 कितना से कट जाएगा आपका, 18 से काट देंगे तो 18 * 54 होता है, तो 18 * 36 = 36, सर यहाँ पे 4 * 5 = 15 हो गया, यानी 150 = 158, 18 * 18 = 44 और बच गया 14, फिर 18 * 44 288 * हमारा 11 आ गया, तो 11 * 88 हाथ में 8, 11 * 88 और 8 = 96 और 9 हो गया यहाँ पे, और 11 * 22 = 9 = 3100, 3168 रुपया क्या क्या हो गया, हानि हो गया हमारा, यानी 3168 रुपया क्या हो गया आपका, हानि हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर से मैं बता दूं कि सबसे पहले हीरा का मूल्य दिया हुआ है 5184 रुपया, और उस हीरे को काट दिया 1:2:3 में टुकड़े में कर दिया, पहले टुकड़ा पहले अगर इसको मिला दें तो 1, 2, 3, 3, 3, 6 होना चाहिए था, तो 6x, चूंकि हम मूल्य देख रहा है कि भार के वर्ग के बराबर होता है, तो मूल्य का जो यहाँ पे भार हो गया, देखिए यहाँ पे भार कितना, भार के वर्ग के, तो x और 2x और 3x, 6x का स्क्वायर कितना, 36x स्क्वायर वो भार था उसका, जैसे ही भार, लेकिन जैसे टुकड़ा किया तो उसका भार हो गया x² + 2x² + 3x², तो दैट मींस हो गया 14x², तो देखिए 36x² था, प्राप्त हुआ 14x², तो इसका मतलब क्या हुआ कि 22x² का ये हानि हो गया, यही आपको निकालना है हानि कितना होगा। तो दिया हुआ 36x² बराबर 5184, तो 22x² कितना होगा आपका, जो यहाँ पे कैलकुलेशन करने का पता चला।
उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गया होगा। और मैं देखिए कितना इत्मीनान से बता रहा हूँ, इतना इत्मीनान से मैं कभी बताता नहीं हूँ, लेकिन मैं इत्मीनान से बता रहा हूँ, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। और नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो। तो इसी प्रकार आपका सारा सवाल हमको लगता है बन जाएगा, मुझे पूरा उम्मीद है बन जाएगा। एक क्वेश्चन बीच में ले लेते हैं, 86। 86 में बोल रहा है आपका कि 900 रुपया को एबीसी में बांटना है कि ए राशि का जो है, एक ही राशि का मतलब गुना बताए थे, एक ही राशि का 1/2 बराबर क्या बोल रहा है बी की राशि का 1/3, ऐसा बोल रहा था। और बराबर बोल रहा है सी की राशि का मतलब फिर गुना 1/4 है। और मैंने बोला था सबसे पहले इसको ठीक कर ले, 1/2 बराबर हो जाएगा B/3 बराबर C/4। तो देख पा रहे हम, मैंने अगर आप पुराना वीडियो मेरा देखे होंगे उसमें बताए थे कि इस तरह का जब भी होता है तो वही वैल्यू आपका ए बी सी का हो जाता है। यानी कह सकते हैं ए का वैल्यू बी का वैल्यू और सी का जो वैल्यू का रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2:3:4। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी द्वारा प्राप्त की राशि कितनी कितनी होगी। तो सिंपल है कि सारा रेशियो दिया हुआ, सारा मान दिया हुआ 2, 3, 5, 4, 9, और 9 का वैल्यू दिया हुआ है इसमें 99, सॉरी 900। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो हो जाएगा 100। तो हम आराम से निकाल सकते हैं, हमको 2 निकालना तो हो जाएगा 200, हमको निकालना 3 तो हो जाएगा 300, हमको 4 निकालना है तो हो जाएगा 400। तो कह सकते हैं 200, 300, 400 क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है आप इतना समझ में आ गया होगा, आपको पूरा उम्मीद है हमको इतना चीज समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार आप लोग को फिर क्या बोल रहा हूं कि हर एक चीज को समझ समझ के पढ़ना है। हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा और भी, तो मैं सॉल्व करते आज मैं खत्म कर दूंगा अनुपात समानुपात। घबराइएगा बिल्कुल नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बीच में नहीं कीजिएगा। छोटी छोटी चीजें बड़ी बड़ी चीजें बन जाएगी एक दिन जब आप बैठेंगे मेरे साथ विक्रम ट्यूटोरियल बीडी के साथ। विक्रम ट्यूटोरियल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर तरह का वीडियो प्रोवाइड करता है, हर तरह का मनोरंजन प्रदान करता है। इसलिए विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को फॉलो करें और अपने देश विदेश में सभी जगह पे आप शेयर कर सकते हैं, चाहे दुनिया का कई भी किसी जगह का बच्चा हो, अगर वो सच्चे दिल से अगर फॉलो करता है विक्रम ट्यूटोरियल तो कोई भी बंदा एग्जाम क्वालिफाई करने से नहीं रुक सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में इसी तरह आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपका, एक सिक्का प्रधारित ले लेते हैं, 96 नंबर। इसके बीच में अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत लगा हो, किसी तरह का भारी लगा हो तो आप जरूर बताइएगा। और जितना भी सवाल है आपको अगर टफ लगा हो वो क्वेश्चन बताइएगा, मैं इंक्लूड कर लूंगा अगले क्लास के लिए, ठीक है। तो सिक्का में क्या जानना होता है कि सबसे पहले आपको 10 पैसा जानना होता है और उसको रुपया बदलना होता है। तो 10 पैसे को रुपया बदलने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि 10 10 पैसा जो होता है वो बनाता है आपका 1 रुपया। आपका 20 पैसा का कुछ जानना होगा, 20 पैसा में आपका 5 20 पैसा बन जाता है आपका 1 रुपया, आपको 1 रुपया में चेंज करना है। 25 पैसा या इसको बोलते हैं हिंदी में भी बोलते हैं चवन्नी। तो चवन्नी को जब बनाइएगा तो आपका 4 × 25 पैसा आपका बन जाएगा 1 रुपया। और लास्ट है आपका 50 पैसा, और 50 पैसा को हम लोग देहात में बोलते हैं अठन्नी, और किताब में भी लिखा रहता है अठन्नी, तो वो बन जाता है 2 × 50 पैसा आपका बन जाता है 1 रुपया। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 2 50 पैसे का सिक्का है तो समझ आइए आपके पास 1 रुपया है। अगर 8 आपका 8 50 पैसिया है तो आप समझ आइए आपके पास 4 रुपया है। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आता होगा, और नहीं आता होगा क्वेश्चन के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जो पॉइंट आपको लिखने इंपॉर्टेंट लगता होगा आप नोट कर लीजिएगा। तो बोलता एक थैले में रुपये का 50 पैसे का और 25 पैसे का आपका अनुपात है 5:6:8 दिया हुआ है। यानी दिया हुआ है उसका सिक्के का जो है वो अनुपात दिया हुआ है, यानी कह सकते हैं रुपया ये 5 रुपया हो जाएगा। यानी सीधे हम इसको अभी ले लेते हैं 5x, और ये हो जाएगा आपका 6x, और ये कितना हो जाएगा 8x। ये हो गया अभी, अब सिक्के के रूप में उसको रुपया के रूप में बदलेंगे, और रुपया का मूल्य दिया हुआ है 240 रुपया, तो रुपया में बदलने का जरूरत नहीं पड़ता है, 5x का 5x हो जाएगा, जोड़ 6x
लेकिन चूंकि 50 पैसे का ये मूल सिक्का है तो अगर 6 ही सिक्का है तो उसको हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 2 सिक्का बनता है 1 रुपया, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे उसको भाग दे देंगे तो क्या वो रुपया बन जाएगा। आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो ये है 54 है, 54 है 8, तो हम 54 को जानते हैं कि 4 54 मिलकर 1 रुपया बनाता है, इसका मतलब 8x/2 कितना कर दीजिए 4, और सारा मिला करके पैसा आपका दिया 240 रुपया मेरे प्यारे दोस्त। तो जैसे ही दिया हुआ है तो आप कह सकते हैं कि आपका सॉल्व कीजिए इसको, तो सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 5x+3x अब प्लस हो जाएगा आपका 4 × 2x = 240, तो 5 × 8 = 10, 10x = कितना हो गया 240, कह सकते हैं x = कितना हो गया 24। तो आपका जो क्वेश्चन पूछेगा वही हमको बताना होगा। तो बोल रहा 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है, तो सिक्के 25 पैसे के सिक्के संख्या 8x है, तो इसका मतलब 8x जब लिखिएगा तो 8 × 24 कीजिएगा तो 24 8 कितना होता है 192 आपका आपका सिक्का है। तो एकदम सिंपल था कि नहीं, आप सिक्के को उम्मीद है कि आप समझ पाते होंगे, बात को गहराई को समझ पाते होंगे, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरा वीडियो वही लोग समझ सकता है जिसका बेसिक क्लियर हो, क्योंकि बेसिक चीज आपका क्लियर नहीं होगा तो आप सवाल को नहीं बना सकते। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आपको सबसे पहले विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को फॉलो करना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे आपको क्वेश्चन मिलता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हम लोग चलते रहते हैं। तो सबसे पहले ये सिक्का पर भी अभी हम लोग एक दो सवाल और लेंगे, एक दो सवाल और लेते हैं, जैसे कि 99 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। 99 नंबर में बोल रहा है कि एक थैले में 121 रुपया मूल्य के सिक्के, मूल्य कितना दिया, मूल्य दिया हुआ आपका दिया हुआ 121 रुपया दिया हुआ है, और उसमें 1 रुपया का, 50 पैसे का और 25 पैसे का सिक्का जो है 1:2:3 में दिया हुआ है। और जो देखिए उस क्वेश्चन में समझ नहीं पाए होंगे, इस क्वेश्चन में आराम से आप समझ सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया एक्स, ये हो गया 2x और ये हो गया 3x, यानी सिक्का का मान पता चल गया, इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू 2x, इसका वैल्यू 3x है। क्लियर, अब क्लियर जैसे हो गया तो ये रुपया को तो बदलना नहीं होता है, और ये बदलना होता है। देखिए हम बताए थे कि 50 पैसे को रुपया में बदलना है तो 2 से क्या कर देना होगा, रुपया में बदलने के लिए 2 से भाग दे देना होगा, और अगर उसी को रुपया में दिया हुआ है तो उसको 2 से गुना करना होगा, ये बात ध्यान पूर्वक दिमाग में रखिएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 2x/2, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 3x, लेकिन 54 है तो कितना से भाग देना होगा 4, जो देखे होंगे उस सवाल को, पुराना सवाल को, तो उसको समझ में आ गया होगा अच्छे से। बराबर मूल्य दे दिया 121 रुपया, ठीक है, अब रुपया रुपया बन गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे x और प्लस इधर हो जाएगा आपका, देखिए अगर हम एलसीएम ले ले 4 यहाँ पे तो हो जाएगा ये 4x और ये हो जाएगा आपका 4x और ये हो जाएगा आपका 3x बराबर 121, तो 4 4 8 8 3 ग्यारह, 11x = हो जाएगा 121 × 4, तो ये 11 से कट जाएगा 11 बार, मतलब x का मान कितना हो जाएगा 44। हमको निकालना क्या वो क्वेश्चन में देखेगा, हमको निकालना है सभी का मान निकालना, सभी प्रकार के सिक्के का मान। तो पहला सिक्का हो जाएगा 44, दूसरा सिक्का हो जाएगा 88, लिख देते हैं पहला सिक्का 44, दूसरे तरह का सिक्का जो हो जाएगा वो है 2x तो हो जाएगा 88, और तीसरे सिक्का है 3x तो 44 किया जितना हो जाएगा, यानी कितना 4 × 3 = 12, हाथ में 1 × 4 = 12 = 13, 132, यही आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आसानी से बना सकते हैं कि नहीं, एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा, एक क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आया होगा दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह का ले ताकि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो सबसे पहले बेसिक चीजों को सोचें और समझें और तब बनाएं। अब आगे बढ़ते हैं, एक हम ले लेते हैं उस तरह का क्वेश्चन जिसमें कि आपका सिक्का की संख्या ही दिया हो, जिसमें कि सिक्का की संख्या ही दिया हो, देख लेते हैं कि कोई सिक्का वाला संख्या का क्वेश्चन है या नहीं है। तो सिक्के, हाँ सिक्का का, हाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है 100 नंबर। अब 100 नंबर में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, हम देखिए बताने के साथ कुछ कुछ बातें भी बता देते हैं। सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो सबसे पहला काम रुपया में आपका दिया रहेगा, आपको क्या दिया रहेगा रुपया में दिया रहेगा, और आपको क्या करना है उसको पहले आपको रुपये सिक्का में क्वेश्चन में दिया रहता सिक्का में, अरे दिया रहेगा मूल्य उसका रुपया में, उसको क्या करना सबसे पहले सिक्के को रुपया में बदल दीजिएगा और उसका वैल्यू बनाइएगा बन जाएगा। दूसरा में आपका सिक्का की संख्या पूरा दे दिया रहेगा, और उस रुपये को आपको क्या रुपये का मूल्य दिया रहेगा उसमें क्या करना आपको उल्टा करना। देखिए दिखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, दिख पा रहा होगा क्वेश्चन आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा, क्वेश्चन में बोल रहा है 1 रुपये 50 पैसे 280 सिक्का, अबरी बार क्या बोला रुपया नहीं बोला, अबरी बार बोला 280 सिक्का में दिया हुआ है। क्लियर,
280 सिक्का जैसे दिया, और वहां पे बोल रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य दे दिया व्यवहार, मूल्य दे दिया। प्रहलाद बोला कि पहला है आपका 1 रुपया, उसके बाद है 50 पैसा, और उसके बाद दिया है 25 पैसा का आपका जो है आपका मूल्य दिया हुआ है आपका किधर है जी, 8:4, 8:4, और दिया हुआ है आपका 3:3, 3, 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 ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा आपका 4x, और ये हो जाएगा आपका 3x, लेकिन ये रुपया में दिया है तो इसको सिक्का पहले बनाना होगा। सिक्का इसमें कितना हो जाएगा, 1 रुपया में सिक्का तो वही सेम हो जाएगा, लेकिन 50 पैसा का सिक्का ये मूल्य दिया 4 टका, और 4 टका में कितना सिक्का होता है मेरे प्यारे दोस्त, 8 सिक्का। इसका मतलब ये हो जाएगा 4x गुना 2, ये 8x, यानी सिक्का हो जाएगा पूरा सिक्का की संख्या, ये सिक्का की संख्या हो गया और ये रुपया हो गया। उसी प्रकार 3x है, 3 रुपया है, और 3 रुपया 54 में है, तो 4 से गुना करना होगा, इसका मतलब 3x गुना 4 कर देना होगा, यानी 12x, ये 54 का सिक्का संख्या हो गया। अब हम जो पूछेगा वो हम निकाल देंगे, तो यानी 8x+8x अब +12x बराबर सिक्का की संख्या दिया 280, तो 8 8 16 16 12 होता 28x दिया हुआ है 280, तो x बराबर कितना हो गया 10, यानी x का मान 10 निकल गया मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। तो बोल रहा है यहाँ पे कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या है कितना, 8x, तो 8x का मतलब हो जाएगा 10 गुने 8, यानी 80 सिक्का है हमारा 50 पैसे का। तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, यानी आप किसी प्रकार का सिक्का रुपया या कुछ भी दे तो आराम से आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं। और जो बात फिर मैं बोल रहा हूँ कि जो बात आपको समझ में नहीं आता वो बात आप बता सकते हैं, मैथ को मैं इतने प्रॉपर ढंग से मैं बताऊंगा कि आपका आने वाला पीढ़ी को भी ये बात का पता चल जाएगा कि एकदम क्वेश्चन कितना आसान होता। और देखिए मैं समझाता उतने भी कोशिश में उतना करता ही नहीं हूँ, अगर आपको बात समझ में नहीं आता है तो मैं एकदम तोड़ तोड़ करके लाऊंगा, जिससे आपको भी समझ में आए, हमारे स्टूडेंट को भी समझ में आ जाए, जो कि मैं उतना तोड़ के क्लास में नहीं बताता हूँ। मैं क्लास में एकदम स्पीड में बताता हूँ, लेकिन मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा बेसिक चीजों को भी साथ साथ लेके चलता हूँ कि कौन ऐसी चीजें जो आपको समझ में नहीं आता है। तो मैं समझ में आ गया हूँ कि पहले रुपया का मूल्य दिया हुआ, मूल्य को अगर सिक्का में बदलना है तो आपको पता ही होगा ठन्नी को कैसे बदलते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप सिक्का वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। आप जितना भी सिक्का रुपया का क्वेश्चन होगा घर में बैठ करके बना लीजिएगा। अब आते हैं आय व्यय पर, और आज का लास्ट टॉपिक बचा आय व्यय पर क्वेश्चन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहला क्वेश्चन हम शुरुआत कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 106 क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। और फिर बोल रहा है कि बी और सी की आय का अनुपात भी दिया हुआ है, बी और सी की आय का अनुपात भी 3:2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे, ठीक करना है इसको। तो सबसे पहले ठीक करने के लिए क्या कर, कौन सी ठीक करना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना होता है। तो 3:2 और 3:2 कितना हो जाएगा बताइए, 3 3 9 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी पता चल गया। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की आय का तिहाई भाग, ए की है देखिए यहाँ पे ए है, ए की आय का तिहाई भाग यानी 9 का तिहाई भाग कितना होता है मेरे प्यारे दोस्त, 3। और क्या बोल रहा है, सी के चौथाई भाग से, सी का देखिए ये चौथाई भाग, 4 का चौथाई भाग कितना होता है, 1 होता है। बोला है कि 1000 अधिक है, तो बताइए कितना अधिक है, यहाँ पे कितना अधिक दिख रहा है, 2 अधिक दिख रहा है, और 2 का ही मान अधिक कितना दिया, 1000। 2 का मान अगर 1000 है तो 1 बराबर कितना है बताइए, 500 रुपया। तो कह सकते हैं कि 1 का मान 500 रुपया, तो बोल रहा है कि B की आय कितनी है, तो B की आय कितनी हो जाएगा मेरे प्यार दोस्त, B की आय है 6, तो 500 गुना 6 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3000, यानी कितना हो जाएगा, 5 6 30 ना, तो 3000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपका क्वेश्चन नंबर आपका 106 का आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, एकदम इजी है। और जो भी बात, फिर मैं बोल रहा हूँ, जो भी बात समझ में नहीं आता होगा आप बता सकते हो, मैं सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन इतने अच्छे में मैं दूंगा कि आपका दिमाग में ही घुस जाएगा। तो उम्मीद है 106 समझ में आ गया होगा। आप इसी क्वेश्चन को एक दो क्वेश्चन और भी लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 108, और देखिए प्रयास कीजिएगा, अनुपात समानुपात का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो टफ है, हम लोग टफ बना देते हैं।
तो मेरा प्रतिदिन वीडियो देखिएगा, मैं सीरियली वाइज लेके आ रहा हूँ। एचडी का ऐसा कौन सा क्वेश्चन आपको टफ लगता है मुझे बताएं, या किसी भी चैप्टर का, किसी भी चैप्टर का आप बता सकते हैं। बस मैं बशर्ते वो चैप्टर में शुरू करूंगा तब मैं बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 108 में देख पा रहे हैं कि ए और बी की, ए और बी का साप्ताहिक आय दे दिया है। ए और बी के साप्ताहिक आय का अनुपात दिया हुआ है 9:7। मैं नहीं बोल रहा ये दिया हुआ है, और उनके व्यय का अनुपात, ये दिया है आय का अनुपात, और उसके व्यय का भी अनुपात दे दिया है आपका 4:3, और ये दिया है व्यय का अनुपात, और दोनों ही प्रत्येक जो बचा लेता है 200 रुपया बचा लेता है। तो ये बचत है, दोनों ही प्रत्येक 200 रुपया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले दो मेथड इसको बना सकते हैं, दो मेथड से। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आय बनता कैसे है। तो आय बनता है जो खर्च करते हैं व्यय, और जो बचत करते हैं वो दोनों मिलाकर जो बचता है वही जो होता है वो होता है आपका आय। यानी कह सकते हैं कि बचत बराबर जो होता है, यानी यानी व्यय बराबर जो होता है, व्यय बराबर कह सकते हैं आय घटे बचत। तो हम कह सकते हैं ये 9 और 7 है, तो इसका मतलब 9x ले लेते हैं। 9x में अगर हम बचत घटा देंगे कितना, 200, तो ये ए का क्या हो गया, व्यय हो गया, ये ए का व्यय हो गया। उसी प्रकार 7x में अगर हम 200 घटा देंगे तो ये भी क्या हो गया, व्यय हो गया, और व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:3। यानी कह सकते हैं कि 9 * 27x में अगर 600 चला गया, अब जो भी उधर हुआ, 4 * 28x, और माइनस कितना हो जाएगा, 4 * 2 = 800। तो कह सकते हैं इसको जैसे लाइएगा माइनस एक्स उधर, जैसे ले जाइएगा तो आपका -200। तो कह सकते हैं एक्स का मान कितना हो गया, 200, एक्स का मान 200। तो जो निकालना वो हम लोग निकाल लेंगे। तो बोल रहा है कि उन दोनों की साप्ताहिक, दोनों साप्ताहिक आय का योग कितना होगा, दोनों की साप्ताहिक आय का योग होगा 16, 9 * 7 = 16, यानी 16x निकालना है। तो 200 * 16 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 16 * 2 = 3200 रुपया क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, और समझ में नहीं आता होगा तो आप लोग बता सकते हो। मैं सारे क्वेश्चन को इतनी अच्छे में मैं फिर बताता हूँ। मैं अगर आपके दिमाग में, आपके दिल तक, दिमाग तक कहीं तक नहीं जाता है, तो कौन ऐसा टर्म है जो क्या आपको टफ लगा आप बता सकते हो। इससे भी इजी में, इसे शॉर्ट ट्रिक में मैं बता दूंगा, इतना शॉर्ट दूंगा मैं। वो मेरा पुराना वीडियो देखिएगा मैथ में, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, इतना शॉर्ट में देखते ही आप आंसर बता सकते हो। लेकिन सबसे पहले आप छोटी छोटी बेसिक चीजों को जानिएगा। तो छोटी छोटी बेसिक चीजों जानने के बाद आप देखिएगा सवाल को चुटकी में बना सकते हो। तो आई थिंक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एक टफ क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ताकि आपको ये ना हो कि खाली सिर्फ इजी बता देते हैं। तो मैं टफ क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन है आपका 111। टफ तो होता नहीं है ऐसे कुछ। तो 111 क्वेश्चन में बोल रहा है ए और बी और सी का मासिक वेतन का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3:5। ये ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात दिया हुआ है। अब सी का मासिक वेतन जो बोल रहा है, ये तो टफ तो है नहीं, ये टफ नहीं है, सॉरी। तो टफ नहीं, अगर बना ले लिए तो बना देते हैं। यदि सी का मासिक वेतन, सी का मासिक वेतन है 5 और ए के मासिक वेतन है 2, अधिक कितना है, तो 3, और वही 3 का मान दे दिया है आपका 1200। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 400 मेरे प्यारे दोस्तों। तो जो पूछा वो आंसर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि बी का वार्षिक वेतन कितना हो, तो बी के पहले साप्ताहिक वेतन तो निकाल लें, तो क्या दिया, सॉरी मासिक वेतन दिया हुआ था। तो मासिक वेतन कितना हो गया आपका, बी का मासिक वेतन है 3, तो 3 * 4 कितना हो जाएगा, 1200, और 12 महीना में पूछा रहा है, साल भर का, तो 144 इधर हो गया, यानी 14,400 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे, और इसी प्रकार का सारा सवाल आप बना लीजिएगा। अब आप लोग पर छोड़ दिए कि एसडी यादव का अनुपात समानुपात में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको टफ लगता है। आप टफ क्वेश्चन को मेरे चैनल में आप बता सकते हो, मैं आपके सारे क्वेश्चन का जवाब इजी में मैं दूंगा। तो अनुपात समानुपात इसी के साथ समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, और साथ ही साथ कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको टफ लगता है ये भी बात जरूर बताएं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। आप लोगों को सभी को हैप्पी दुर्गा पूजा, और इसी की शुभकामना के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।